परासिया में किसानों के गेहूं स्टोर करने की जगह कम पड़ने लगी है। इसके बाद अब गेहूं को रखने के लिए वन विभाग के हॉल की मांग की जा रही है, लेकिन प्रशासन इस पर कोई फैसला नहीं ले पा रहा है। छिंदवाड़ा में परासिया के पगारा सोसाइटी में किसानों के गेहूं को रखने की जगह कम पड़ रही है, जिसको लेकर किसानों ने कई बार प्रशासन और स्थानीय नेताओं से बात की और उचित व्यवस्था बनाए जाने का आग्रह किया। भाजपा के पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया ने सोसाइटी की समिति से इस बारे में बात की और गेहूं रखने के लिए वन विभाग के हॉल को देने की मांग की। गौरतलब है कि मौसम खराब होने की वजह से गेहूं के पानी से भीगने का डर बना हुआ है। आज सेवा सहकारी समिति पगारा से संबंधित किसानों के द्वारा पूरे मुझे जानकारी दी गई थी, कुछ समस्या यहाँ पे थी, यहाँ पे समय पे वाहन नहीं आ रहा, जिसके कारण किसानों का जो या गेहूं खरीदी हो रही है उनका ट्रांसपोर्टेशन ठीक से नहीं हो पा रहा था। दूसरा, पगारा की में जितना भंडार रखने की क्षमता है उससे अधिक अनाज यहाँ पे आ रहा था, तो इसलिए यहाँ पर स्थानीय लोग के माध्यम से जानकारी आई कि समिति के भवन के बगल में ही वन विभाग की एक बिल्डिंग है, वो तात्कालिक रूप से 10-15 दिन की उनको मिल जाएगी, तो किसान का जो अनाज यहाँ पे आ रहा है उसको सुरक्षित वहाँ रखा जा सकेगा। क्योंकि पूरे देश में कोरोना वायरस की बीमारी चलते लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए परिवहन में थोड़ा कठिनाइयाँ हो रही हैं और इसलिए इस कठिनाई से हम सबको बीच का रास्ता निकालना है, तो इसलिए वन विभाग की रंजत महोदय से मैंने चर्चा की है, तो उन्होंने अपनी सहमति अभी दूरभाष पर दी है कि ठीक है, हम अपनी बिल्डिंग का कुछ हिस्सा समिति को देंगे जब तक उनका अनाज यहाँ पर रखा रहेगा, और जब जैसे ही यहाँ पर वाहन उपलब्ध हो जाएंगे वो सामग्री यहाँ चली जाएगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।